हाय गाइस, कैसे आप सारे? अच्छे होंगे तो मेरे चैनल पे आए हो। तो आज ये मेरे चैनल का दूसरा रिव्यू है। तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ओसा एक टी शर्ट की, जो मैंने सिर्फ बाय करी है 250 रुपीज की। हाँ, 250 रुपीज की फ्लिपकार्ट से। अभी आपको मैं पहन के दिखाता हूँ। अभी मैंने इसकी पैकिंग तो खोल दी थी, लेकिन टैग लगे हुए हैं और इसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। अभी वीडियो में आ जाएगा स्क्रीनशॉट। तो ये मैंने 250 रुपीज की मंगवाई थी, कॉटन की शर्ट है गर्मियों के लिए। वैसे गर्मी आने वाली है, अब तो फरवरी आज शुरू हो गया, तो मैंने ये मंगवाई थी अपने लिए ओवरसाइज टी शर्ट। तो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। तो ये रही ओवरसाइज टी शर्ट मैंने जो मंगवाई थी, अच्छी है। थोड़ी अभी प्रेस नहीं है तो थोड़ा अलग सी लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से 250 रुपीज़ में और क्या चाहिए, बहुत सही लग रही है। मैंने लेकिन एक गलती कर दी, मैंने लार्ज मंगवा लिया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है बाकी, लेकिन ये भी सही लग रही है। तो ये कौन सी कंपनी की है? ये है आयरन फ्लेक्स की है कोई, पता नहीं ऐसी लोकल ही है। लेकिन क्या चाहिए 250 रुपीज़ में? और इसकी बैक देखो आप, और आपको दिखाता हूँ ऐसे। थोड़ी प्रेस नहीं है तो थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन शर्ट सही है, मतलब 250 रुपीज में वर्थ है। तो आप देख सकते हो गर्मियाँ आ रही है तो काम आएगी मेरे लिए, क्योंकि अब जेन जी वो ओवर टी शर्ट ही पहनते हैं ओवर साइज। तो मैं भी जेन जी में आता हूँ, मैंने भी अभी ये मेरे को शौक चढ़ा है, तो मैं 3-4 मंगवा चुका हूँ। बाकी अगले वीडियो में दिखाऊंगा मैंने और मंगवाई है bewakoof.com से। तो ओके गाइस, थैंक यू। आप बताना कैसी लगी, और मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, कोई प्रमोशन नहीं है। मेरे को सही लगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, इसमें 3 कलर थे, एक ग्रे कलर था, एक ब्लैक कलर था और एक येला कलर था। तो मेरे को ये सही लगा, मेरे पास ये कलर था भी नहीं। ओके गाइस, थैंक यू, आगे मिलेंगे और वीडियो में। तब तक मेरे को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर कर लेना मेरी वीडियो को, और आगे मिलते हैं। ओके गाइस, बाय, लव यू।